मैं डॉक्टर आरपी सिंह होम्योपैथिक चिकित्सक, आज आपको बिच्छू का डंक मारना के लक्षण व उपचार बताने जा रहा हूँ। बिच्छू के दंश से बाल्यावस्था में रोगी की मृत्यु हो सकती है। दंशित स्थान से प्रारंभ होकर ऊपर की ओर पीड़ा फैलती है। दंडित स्थान पर जलन, बमन, आक्षेप, तीव्र ज्वर, पसीना, पेशियों में पीड़ा कर ऐंठन तथा मूर्छा आदि लक्षण होते हैं। उपचार: दंडित दंशित स्थान को काटकर यदि डंक का कोई भाग शरीर में रह गया हो तब उसको निकाल देना चाहिए। दंशित स्थान पर लाइकर एमुनफोर्ट की एक बूंद लगाने से पीड़ा कम हो जाती है। दंशित स्थान को पोटेशियम परमैंगनेट के घोल से धोना चाहिए। इंजेक्शन नोवोकेन 2% 2 cc दंशित स्थान के चारों ओर प्रवेश करने से पीड़ा में कमी आती है। होम्योपैथिक दवा: बायोल ओडोरेटा क्यू एक बूंद 10 मिनट के अंतर पर मुख से डालना तथा दंश वाले स्थान पर लगाना भी चाहिए। दूसरा, एकोपियन 3x एक एक बूंद मुख द्वारा लेना है और दंशित स्थान पर लगाना भी है।